एंड ये एक च्यवनप्राश दादी के लिए, दादी खाएगी तो जवान हो जाएगी, मजबूत एकदम। मेरा तो दिमाग घूम गया सुन के, मैं फटाफट निकल गया इधर से। मैं गया था कल बाल कटिंग कराने के लिए, मेरा बाल कटिंग तो कल हो नहीं पाया, एंड आज जाता हूँ देखता हूँ क्या होता है आज। एंड मुझे आज मेडिसिन भी लेना है, दवाई भी लेना है, सो दवाई भी लेना है, और रिंग लाइट के लिए मैंने बोला था कि मुझे खुद का रिंग लाइट बनाना है, तो उसके लिए मैंने सामान भी खरीदना है मुझे, जैसे हो गया एल्युमिनियम पेपर हो गया, कार्टन हो गया, गौन हो गया, वगैरह वगैरह खरीदना है। सो चलो देखते हैं क्या होता है आज, देखते हैं क्या क्या होता है और करते हैं। सो आप बने रहो। तो दोस्तों मैंने मुंह भी धो लिया और नाश्ता भी कर लिया है, तो आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सो गाइस आप इन दोनों का लड़ाई देखो और कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको। ये बोल रहा है वीडियो ना बना के, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों बहुत लड़ाकू है, दोनों बहुत लड़ाकू है, ये बहुत दोनों लड़ता है। ये देखो गाय आ गई है फिर से, उस दिन मैंने आपको दिखाया था बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा होशियार। जाओ एक बार खिला दिया, अब क्या चाहिए, बार बार तुम चाहिए क्या? गजब बेइज्जती है। सो गाइस मैं आ गया हूँ अभी दवाई लेने के लिए, मैंने आपको बोला था कि मुझे मेडिसिन लेना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहला वॉक कर लेता हूँ पहले। ये अभी यहाँ सकल खड़ा हो गया, एंड ये रहा दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो यहाँ आइएगा, होम्योपैथी दवाई था दोस्तों ठीक हो जाएगा बिल्कुल, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दवाई लिया है कई बार, दिखाता हूँ आपको। प्रणाम अंकल। दोस्तों ये होम्योपैथी क्लिनिक है, गाइस मैं आया था कश्मीरी मार्केट घूमने के लिए, आप देख सकते हो, तो मैंने एक जैकेट पूछा इस तरह का जैसे मैंने पहना हुआ है, बोल रहा है 1300, कोई बोल रहा है 2300। मेरा तो दिमाग घूम गया सुन के, मैं फटाफट निकल गया इधर से। एक कैप पूछ रहा हूँ, कैप माथा में पहनने वाला सर्दी का, तो बोल रहा 200। बोले चलो यार अपने हैसियत से बाहर है, मतलब ये क्या बात करता है यार। तो अभी जा रहे हैं, ये पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा गाड़ी है। सो चलो चलते हैं यार, इतना महंगा अपने लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो मैं चढ़ गया साइकिल पे, अभी टावर चौक से अभी घर बाजार से। मैं उतनी अच्छे से आपको एक्सप्लोर नहीं करा सका क्योंकि टावर चौक में दो नंबर का रास्ता है, मैंने आपको कल ही बताया था, और इसके लिए मैंने आपको अच्छे से नहीं दिखा सका। तो ये मैंने खरीदा है पैजामा, दो पैजामा, एक पापा के लिए एक मेरे लिए, एंड ये एक च्यवनप्राश दादी के लिए, दादी खाएगी तो जवान हो जाएगी, मजबूत एकदम। अरे कहना क्या चाहते हो?
यही था दोस्तों, एंड दवाई भी मैंने लिया है। दवाई कहाँ हमको दवाई दी? हाँ हमको कहाँ से मिलेगा? ये रहा मेरा दवाई, हाथ में गिल्टी हो गया, इसके लिए मैंने दवाई लिया दोस्तों। काफी दिन पहले ही हुआ था लेकिन दवाई लेने का फुर्सत आज ही मिला, तो आज ही मैं गया था दिन में, जिस जैसा कि मैंने आपको दिखाया मेरी एग्जाम क्लिनिक। आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पे आइए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हुआ, ये मेरा गारंटी है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और ये भी लिया एक पीस का, मजा आया था खाने में। सो मिलते हैं। सो गाइस, मैं आया था इधर घूमने के लिए एंड मुझे यहाँ पे मिल गया एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा। आप लोग देख सकते हो लकी इसके साथ क्या कर रही है, क्या कर रही है लकी, दिखाओ इसको। आप लोग देखो कितना क्यूट है दोस्तों, एंड इसके लिए कमेंट करना प्यारा सा और एक लाइक तो बनता है इसके लिए। देखो कितना अच्छा है। और इधर एक और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए यहाँ पे। हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हो? ये देखो लकी क्या कर रही है। देखो दोस्तों कितना अच्छा है ये। सो गाइस, आप इनको नजदीक से देखो कितना क्यूट दिखता है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। देखो आप, तो आ गए हम लोग घूमने के लिए, चलो भी चलते हैं घर पे। चल लखी। ओ हेलो, चल। सो हे गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। सो तब तक के लिए, हे व्हाट्सएप व्हाट्सएप गाइस, सैम ब्रो।